हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास क्लास 11th का यूनिट नंबर 12 का वीडियो नंबर 42। तो बेटे, ये 12वीं यूनिट का 42वां वीडियो है, और इससे पहले 41 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 12 को पूरा पढ़ सकते हो, समझ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। इसी के साथ साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा, और आप पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हो, KMD सहारनपुर। तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज बेटे हमें पढ़ना है संरचना सूत्र के बारे में, और संरचना सूत्र को हम इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो आप जल्दी से अपनी नोटबुक में हेडिंग लिखो, संरचना सूत्र, और इंग्लिश में नाम लिखो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। लिख लिया बेटे? ठीक है। तो बेटे हमें बात करनी है संरचना सूत्र की। संरचना सूत्र का मतलब होता है कि किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं के आबंध विन्यास को बताने वाला जो सूत्र होता है, उसे हम कहते हैं संरचना सूत्र। देखो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे किसी अणु में उपस्थित किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं के किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं के आबंध आबंध किसे कहते हैं? बॉन्ड को। बंध कह दो या आबंध कह दो, आबंध विन्यास को बताने वाला या प्रदर्शित करने वाला, ऐसे भी लिख सकते हो आप, बताने वाला सूत्र संरचना सूत्र होता है, या संरचना सूत्र होता है की जगह आप लिख सकते हो कहलाता है। तो संरचना सूत्र उस सूत्र को कहते हैं जो अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं के आबंध विन्यास को बताता हो कि कोई परमाणु कौन से बॉन्ड से जुड़ा हुआ है आपस में। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से समझना, ठीक है? क्योंकि हमें नॉर्मली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनके संरचना सूत्र जरूर बनाने आने चाहिए। जैसे पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं CH4 का। CH4 क्या होता है? मीथेन। CH4 का नाम होता है मीथेन, आपको पता है। इसका संरचना सूत्र कैसा होगा? CH4 का ऐसा होगा, एक कार्बन और कार्बन के चारों तरफ एक एक हाइड्रोजन इस तरीके से जुड़े हुए हैं CH4। तो ये CH4 यानी मीथेन का संरचना सूत्र है। इसे आप ऐसे भी बना सकते हो, देखो बॉन्ड ये वाले थोड़े से तिरछे इस तरीके से बना सकते हो। यदि आपको संकरण के बारे में जानकारी है तो CH4 का इस संरचना ऐसा बनाना चाहिए, और आप यदि संरचना को ऐसा बनाते हो तो यह भी ठीक ही माना जाता है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, पर यह बिल्कुल रियल संरचना है। हमें जो संरचना सूत्र बनाना होता है उसमें हम देखते हैं कि कोई भी परमाणु है उसकी संयोजकता कितनी है। जितनी उसकी संयोजकता होती है उतने ही वो बॉन्ड बनाता है। जैसे कार्बन की संयोजकता 4 है तो इसे 4 बॉन्ड बनाने हैं, हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है तो इसे 1 बॉन्ड बनाना है। अगला एग्जाम्पल लेते हैं C2H6 का। C2H6 नाम इसका बताइए आपको, दो कार्बन एथ और सिंगल बॉन्ड एन। इसका संरचना कैसा होता है? देखो एक कार्बन और दूसरा कार्बन। अब हाइड्रोजन कितने हैं? 6। इसके ऊपर 3 हाइड्रोजन जुड़ेंगे और 3 हाइड्रोजन जुड़ेंगे इसके ऊपर, ऐसे ऐसी संरचना होती है C2H6 की। यह C2H6 का संरचना सूत्र है।
ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, अब देखते हैं हम नंबर थर्ड पर, तीसरा एग्जांपल लेते हैं C2H4 का। इसका नाम होता है एथ ईन, वैसे इसे ही थाइलीन भी कहते हैं। इसका संरचना सूत्र कैसा होता है? कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है। अब आपको बताया कि इसे दो बॉन्ड और बनाने हैं, तो दो हाइड्रोजन इसके ऊपर जुड़ जाएंगे इस तरीके से, और इसे भी दो बॉन्ड की जरूरत है, दो हाइड्रोजन इसके ऊपर जुड़ जाएंगे। तो यह होता है C2H4 यानी एथीन का या इथाइलीन का संरचना सूत्र। इसी तरीके से आप देख सकते हो C2H2 को। C2H2 का नाम एसिटिलीन होता है सामान्य पद्धति में, और वैसे IUPAC में इसका नाम होता है इथाइन। ठीक है, इथाइन। तो इसका संरचना सूत्र कैसा होता है? कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन इधर जुड़ेगा और एक हाइड्रोजन इधर जुड़ेगा। यह संरचना सूत्र होता है इथाइन या एसिटिलीन का। ठीक है। अच्छा, एक एग्जाम्पल यहां लिखता हूं, C2H5Cl। इसका नाम है क्लोरोइथेन, क्लोरो इथेन, या इसे आप इथाइल क्लोराइड भी कह सकते हो। इसका संरचना सूत्र कैसा होगा? दो कार्बन है, एक कार्बन दूसरा कार्बन, और एक जुड़ा हुआ है Cl इसके ऊपर। अब हाइड्रोजन पांच है, 1 2 3 4 5, यहां ये पांच हाइड्रोजन इस तरीके से जुड़ जाएंगे। तो ये संरचना सूत्र किसका हुआ? इथाइल क्लोराइड का। क्लोरोइथेन कह दो, या फिर आप कह सकते हो इथाइल क्लोराइड। क्लोरोइथेन IUPAC में नाम है, और इथाइल क्लोराइड इसका सामान्य पद्धति में नाम है। जल्दी से आप पॉज करके लिखो, मैं कुछ और इंपॉर्टेंट संरचना सूत्र आपको बताता हूं। लिख लिया बेटे? ठीक है। छठा संरचना सूत्र हमें सीखना है C2H5OH का। C2H5OH का नाम क्या होता है? इथाइल अल्कोहल, इथाइल एल्कोहल, या आप इसे इथेनॉल भी कह सकते हो। इसका संरचना सूत्र कैसा होगा? दो कार्बन है, पांच हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 5, C2H5 तो ये हुआ। ये वाला ऑक्सीजन यहां बनाएंगे और यहां हाइड्रोजन, क्योंकि ऑक्सीजन की संयोजकता दो होती है, तो इसके हमें दिखाने हैं दो बॉन्ड, और कार्बन की संयोजकता चार होती है, कार्बन के दिखाने हैं चार बॉन्ड। नेक्स्ट नंबर 7 पर हम बात करेंगे CH3, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH3 की। ठीक है। इसका नाम है डाई मिथाइल ईथर। आपको पता है डाई मिथाइल ईथर, ये मैंने सामान्य नाम बताया आपको, वैसे इसका नाम मिथॉक्सी मीथेन होता है IUPAC में। इसकी संरचना कैसी होगी? CH3 तो इधर है, CH3 ऐसा संरचना होगा। ऑक्सीजन की संयोजकता दो है, तो दो बॉन्ड बनाएगा, और इधर भी CH3 है, तो इधर भी CH3 इस तरीके से आप बनाओगे। हाइड्रोजन को बनाना होता है एक बॉन्ड, कार्बन को चार, ऑक्सीजन को बनाने होते हैं दो बॉन्ड। कोई भी परमाणु अपनी संयोजकता के बराबर ही बॉन्ड्स बनाता है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं हम स्ट्रक्चर CH3CHO का। CH3CHO, इसका नाम होता है एसीटल डिहाइड। क्या नाम होता है? एसीटल डिहाइड। ठीक है। CH3 का संरचना ऐसा होता है, देखो ये CH3 है, और CHO, CH डबल बॉन्ड O, ये होता है CH3CHO यानी एसीटल डिहाइड। अब नंबर 9 पर मैं आपको बताता हूं संरचना सूत्र CH3COCH3 का। इसे हम कहते हैं एसीटोन, वैसे इसे डाइमिथाइल कीटोन भी कहते हैं, और IUPAC में इसका नाम होता है प्रोपेनॉन। इसका संरचना कैसा होगा? CH3 तो इधर है, ये CH3 बना दिया हमने, CO कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहां भी क्या है? CH3। तो ऐसा संरचना सूत्र होता है एसीटोन का। अब एक कार्बोक्सिलिक एसिड का भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, और आपका जाना पहचाना एग्जाम्पल लेते हैं नंबर 10 पर, एसिटिक एसिड
CH3COOH, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड जिसे आप कहते हो विनेगर या सिरका, ठीक है। इसे देखते हैं, CH3 कार्बन, एक दो तीन हाइड्रोजन, COOH एक तो होता है, ध्यान से देखना, एक तो ऑक्सीजन ऐसे जुड़ा होता है और एक ऑक्सीजन ऐसे जुड़ा होता है, ये हाइड्रोजन है। CH3COOH एसिटिक एसिड का या सिरके का, या इसे इथेनोइक एसिड भी कहते हैं, IUPAC में इसका नाम होता है इथेनोइक एसिड, ठीक है। तो ये हुआ एसिटिक एसिड का संरचना सूत्र। अब हमारे देश के बच्चे जल्दी से पोज करके लिखेंगे, लिख लिया बेटे, ठीक है। तो बेटे ये छोटा सा टॉपिक था संरचना सूत्र। मेरे पास एक बच्चे का कमेंट आया था, उसने कहा था कि सर संरचना सूत्र कैसे बनाए जाते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी दे देना। तो इसलिए मैंने ये 10 एग्जाम्पल लिए हैं जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाए। आपको देखना होता है कि किसी भी अणु में कौन कौन से तत्व के परमाणु उपस्थित हैं और उनकी संयोजकता कितनी होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि कार्बन की संयोजकता होती है 4, तो कार्बन को 4 बॉन्ड बनाने होते हैं। हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है, तो हाइड्रोजन को 1 बॉन्ड बनाना होता है। ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? 2, तो ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड बनाने होते हैं। देखो यहाँ ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बनाया और यहाँ ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बनाया, जबकि यहाँ ऑक्सीजन ने 2 सिंगल बॉन्ड बनाए, पर 2 तो बॉन्ड बनाए ही ना। तो बस इन बातों का ध्यान रखना होता है। यदि आपको इस बात का पता है कि कोई भी तत्व कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, इन सब की संयोजकता यदि आपको पता है, तो जितनी भी किसी तत्व की संयोजकता होती है वो उतने ही बॉन्ड बनाएगा। बस इस चीज का ध्यान रखना है आपको। और यदि इस चीज का आप ध्यान रखते हो तो किसी भी कार्बनिक यौगिक का संरचना सूत्र आप बड़ी आसानी से बना लोगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। बस मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो, और कल हम डिस्कस करेंगे कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि वाला पार्ट, हम स्टार्ट कर देंगे, जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है और जिसे आपको बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है। बस मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय।